नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ की जो मेंबर्स हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर्स और ईपीएस पेंशनर्स हैं, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स, उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर रहा है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अपडेट आता है सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। अगर आप भी इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक अपडेट, एक न्यूज लगाई गई है यहाँ पे moneycontrol.com पे, और ये जो है अपडेट, ये जो न्यूज है ये आज की है, देख सकते हो 26 अक्टूबर 2020। इसमें लिखा है कि पीएफ और ईपीएस पेंशन पर ईपीएफओ ले सकता है बड़ा फैसला, जानिए आपको क्या होगा फायदा। बाकी इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके आप दोबारा से पढ़ सकते हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही अहम फैसला लेने की तैयारी में है। इसमें प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और एम्प्लॉयज पेंशन फंड यानी कि ईपीएस से जुड़े लोगों को शानदार फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल पीएफ पर ज्यादा ब्याज दिलाने और एम्प्लॉयज पेंशन फंड यानी कि ईपीएस पे भी ज्यादा हो, इसके लिए जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल का गठन कर दिया है। इस मीटिंग में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस पर विचार विमर्श करेगा। इस मीटिंग में संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से ईपीएफओ के फंड को फंड मैनेजर संभाल रहे थे, इसके अलावा निवेश से जुड़े सारे फैसले भी वहीं लेते थे। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ के फंड में कितना असर पड़ा है, इसका भी आकलन किया जाएगा। यहाँ पे बढ़ सकती है सोशल सिक्योरिटी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर जोर देना चाहती है। अभी तक ईपीएफओ में केवल संगठित क्षेत्र के लोग आते थे, अब मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी ईपीएफओ के दायरे में ला दिया है। सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बेहद महत्वपूर्ण योजना मानी गई है, जिसमें रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, घरेलू कामों में जुड़े लोग आदि मजदूर आदि सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसके अलावा यहाँ पे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैनल की मीटिंग बुधवार को होनी है, जिसमें कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और अगर अकाउंट मेंबर की डेथ हो जाती है तो परिवार को पैसे मुहैया कराने के लिए चर्चा होगी। इस मीटिंग में 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन बढ़ाने की चर्चा की जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ समय से कई ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ फंड पर पैनल कई दौर की मीटिंग करके इस मामले पर चर्चा करेगा। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था। ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर्स और ईपीएस पेंशनर्स, यहाँ पे जो है बुधवार को मीटिंग होने वाली है और उसमें जो है मिनिमम पेंशन जो है 5,000 रुपए मासिक करने की जो है चर्चा की जाएगी। बाकी जो मीटिंग होगी वहां से क्या अपडेट निकल के आएगा, उसमें जो है क्या डिसीजन लिया जाता है, सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आप भी इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन 5,000 होनी चाहिए फिर 7,500, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।